मुझे जाने दो। मैंने कहा छोड़ो छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ो छोड़ो। मिकेला मिकेला, मैं हूँ मिकेला। तुम मुझे छू क्यों रहे हो? क्योंकि तुम चिल्ला रही थी जैसे तुम्हें दर्द हो रहा हो, इसलिए मैं देखने आया। सब ठीक तो है? क्या कर रहे हो तुम? देख रहा हूँ मेरी ड्राइंग्स में से क्या बचा है। नदी में कूदने के बाद शायद ही कुछ बचा होगा, बस वही देख रहा था। बहुत सुंदर है। अच्छी लगी तुम्हें? तुम्हारे लिए बनाऊं? कबे तो आई एम सो सॉरी। दरअसल मुझे एक बुरा सपना आ रहा था। कैसा सपना? वादा करो कि तुम किसी से कहोगे नहीं, जूलियन को भी नहीं। भरोसा करो, किसी को भी नहीं बताऊंगा। सपना था पर ऐसा लगा कि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। मैंने अपने पापा को देखा और तभी अचानक वहां एस्पेरेंसा आ गई। वो चिल्लाने लगी, मैं बहुत डर गई थी। और क्या आगे? कुछ भी याद नहीं। मेरी तरफ देखो, अगर याद नहीं है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और तुमने बुरा सपना इसलिए देखा क्योंकि तुम रात में खाना बहुत खाती हो, ऐसा मेरी माँ कहती थी। मेरी आंटी भी मुझसे यही कहती थी। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। बात यह है कि अभी रात नहीं है और आज हमने कुछ भी नहीं खाया है। तो फिर क्या, तुम्हारी ड्राइंग बनाऊं? वैसे मैं ड्राइंग्स अच्छी बना लेता हूं। बोलो बनाऊं? हाँ, पर मुझे अच्छा दिखना है, समझ गए ना? शुक्रिया आपने मुझे ये सब दिखाया, पर अब मुझे चलना चाहिए। सुनो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे सच का सामना करना होगा और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस से ही जाऊंगी। मुझे लगता है कि अब मुझे इसकी आदत डालनी होगी। चलती हूँ, थैंक यू। रिकार्डो, तुमने बताया नहीं कि तुम कब आए। क्या कहता मैं तुमसे? मुझे नहीं पता, कल तुम जल्दी चले गए थे और पैट्रिशिया से भी बात करने वाले थे। बात हुई क्या तुम्हारी उससे? उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, पैट्रिशिया से कोई बात नहीं हुई। तुमने जूलियन के बारे में जो कुछ भी कहा कि वो बेगुनाह है और कमिला के कातिल का पता चल गया, उस समय काफी घबरा गया था। मैं समझ सकती हूँ, पर हमें जूलियन की मदद करनी होगी। अगर जूलियन अगर वापस आ गया तो मेरा क्या होगा मरियाना? देखो, तुम दोनों के बीच अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, तुम पति पत्नी हो, तुम मेरी फीलिंग्स को जानती हो ना। देखो रिकार्डो, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मुझे पता है कि जूलियन बेगुनाह है,
और मुझे उसकी मदद करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी में अभी उसके लिए जगह है। मैंने बहुत इंतजार किया और इतने सालों से मैं अकेली थी। मैंने सोच लिया कि मुझे मैं कम इन। आई एम सॉरी सर, पर इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे। बाद में आना, पर थोड़ा अर्जेंट है तो प्लीज आप अगर कर दें। ठीक है। रिकार्डो, तुमने मेरा और सैमुअल का बहुत साथ दिया है। तुम हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, हर मुश्किल में तुमने हमारा साथ दिया है। मैं हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। क्या तुम सच में एक मौका देना चाहती हो मारी? हाँ, क्योंकि मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था, पर मैंने बहुत वक्त अकेले गुजारा है और आगे नहीं गुजारना चाहती। कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। ये पेपर्स जूलियन दुआंते के लिए हैं। जूलियन? हाँ, मुझे पता है उनके साथ जो कुछ भी हुआ, पर ये पेपर्स उनकी वाइफ को देने बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे उनसे मिलना है, प्लीज़। मिसेस मारियाना अभी ऑफिस में ही हैं, मैं उनसे पूछती हूँ। थैंक यू। बाय। थैंक यू। मरियाना, मुझे एक सेकंड तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बैठो ना, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जूलियन को जानती हूँ। जूलियन? तुम जूलियन को कैसे जानती हो? हम जेल में मिले थे। क्या हुआ जूलियन, ठीक तो है ना? क्या उसने मेरे और सैमुअल के लिए कोई मैसेज भेजा है? तुम्हारा एक बेटा है ना? हाँ सैमुअल। मेरी भी एक बेटी है, पर 11 सालों से मैंने उसे नहीं देखा, इसलिए मेरा यह जानना बहुत जरूरी है कि जूलियन कहाँ है, क्योंकि मेरी बेटी उसके साथ है। तुम एक माँ का दर्द समझ सकती हो जिसने इतने सालों से अपनी बेटी को नहीं देखा। और तुम्हारी बेटी जूलियन के साथ क्यों है? मेरा नाम एस्पेरेंजा है और मैं जानती हूँ कि जूलियन कॉफी रीजन में है और वो विटनेस को ढूंढ रहा है, पर मेरी उससे बात नहीं हो पा रही, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैं जेल में फीमेल विंग में थी और वो मेल विंग में। हमारी मुलाकात वहीं हुई। मैंने उसे अपनी बेटी को देने के लिए कुछ दिया था, इसलिए वो दोनों साथ हैं। अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे बता दो, क्योंकि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। प्लीज़, क्या आप जानती हैं जूलियन कहाँ है? मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। क्या तुम्हें पता है? एस्पेरेंजा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता जूलियन कहाँ है। मैं इस वक्त तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। मुझे बस इतना मालूम है कि वो अब वहां नहीं है, क्योंकि विटनेस का खून हो गया है। ठीक है, अगर तुम्हें उनके बारे में कोई खबर मिले, अगर वो कॉल करे तो प्लीज मुझे जरूर बताना। मैं अपना नंबर छोड़कर जा रही हूँ, तुम इस पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकती हो। थैंक यू एस्पेरेंजा।
तुम और जूलियन रिलेशनशिप में हो? नहीं, सॉरी, मैंने ये सवाल पूछा तुमसे। अगर तुम्हें वो मिले तो उसे बोलना कि मैं जानती हूं उसने कुछ नहीं किया। हाँ जरूर, थैंक यू। देखो और सीखो कैसे बनाते हैं। अब तुम्हें देखता रहूं या अपनी ड्राइंग में भी ध्यान दूं? अरे तुम्हें ये जगह पसंद आई? हाँ, बहुत अच्छी है। मुझे समंदर के पास रहना बहुत पसंद है, तुम जानते हो। इसीलिए तो मैंने ये टेबल यहाँ पर बुक की है। ओ अच्छा, मुझे पता है कि तुम्हें समुद्र के पास रहना बहुत पसंद है। वाह क्या बात है, मैं बहुत खुश हूँ। तो इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसके बाद हम लोग बीच पर चलें घूमने। ओ हाँ, और फिर समंदर के किनारे बैठकर हम दोनों सितारों को देखेंगे ऐसे। अच्छा, ऐसे। और फिर हम खो जाएंगे एक दूसरे में। आई लव यू। चलो जल्दी। हाँ, दो आदमी हथियार लेकर बोट की तरफ आ रहे हैं। मैं कुछ सोचता हूँ। पुलिस को फोन करूँ क्या? पुलिस को फोन मत करना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। पुलिस यहाँ समय पर कभी नहीं पहुँच पाएगी। जूलियन, दो आदमी आ रहे हैं। पुलिस को नहीं बुलाएंगे, हम लोग खुद उनसे निपटेंगे। हाँ। मैं इंजन बंद करना चाह रहा हूँ। तुम गन लेकर के तुरंत पीछे की तरफ जाओ, जल्दी ध्यान से जाओ। चलो ये लो, आ जाओ। आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। कैप्टन को पकड़ो। माल कहाँ है? चल दिखा, जा और इसे बोट पे रख दे। चल जल्दी कर, जल्दी। वहां पर क्या हो रहा है? अंदर जाकर देखो। क्या चल रहा है यहां? यह आवाज कैसी थी?
रुको रुको रुको, एक मिनट। ओ, तो यहाँ पर लड़की छुपी हुई है। सुनो तुम दोनों, नदी के पास जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ और कूद जाओ, कूदो। मैंने कहा कूदो। क्या? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? चलो कूदो। तुम मुझे मारने पर मजबूर मत करो। चलो कूदो। अब आया मजा? माल चोरी करने आया? छोड़ दो मुझे। बोल, तेरे साथी कौन है? कबे तो बोल। जूलियन कहाँ है? वो इसके आदमी के साथ होगा। चलो, वो देखो, चलो ले आ रहा है। सब ठीक है ना? हिलना मत। हाँ। चलो चुपचाप लेट रहे, चुपचाप चलो। मारियाना, ये रहा वो सब जो तुमने मांगा था। ये उन सभी एम्प्लॉयज़ और फॉर्मर एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है जो मिसेस कमेला की मौत के वक्त और उससे पहले जो इंजीनियर्स थे और सप्लायर्स की लिस्ट भी इसी में है। और हाँ, बाकी के सारे सर्कुलर्स, बिल्स सारे इसी में हैं। बट प्लीज़ ज़रा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। याद रखना, ये किसी भी हालत में किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम फिक्र मत करो लोरेना, थैंक यू वेरी मच। मैं ये देख लूंगी और शायद तुम्हारी भी जरूरत। हाँ, ठीक है, बता देना। ओके। शुक्र मनाओ हमने तुम्हें छोड़ दिया, जान से नहीं मारा, अच्छे लोग हैं हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। देखा, सब ठीक हो गया। इस खुशी के मौके पर पीना तो बनता है कैप्टन। हमने तुम्हारी जान बचाई है, जश्न तो होगा ही। क्या बात है, अब तो हमारे पास भी गन है। नहीं कबेटो, इसे ही रख दो। नहीं सुनिए सर, ये रही आपकी बोतल। रहेगी आपकी बोतल आपके लिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है, अब थोड़ा आराम मिलेगा, आज मजा आएगा। लेडीज फर्स्ट। कमाल की है टार्जन। देखा मिकेला, मैंने तुम्हें कुछ नहीं होने दिया, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इसे तुम भी पी सकते हो जूलियन। अरे नहीं जूलियन, जम के पीना पड़ेगा। बहुत स्ट्रांग है। ये लो सेकंड राउंड। हाँ अच्छी है। जो तुमने मुझे पेपर्स दिए थे मैंने चेक किया और ये देखो। इन सभी इनवॉइसेस पर रेमिरेज के साइन है। हाँ, क्योंकि वही तो बायस और सप्लायर्स के बीच में मीडिएटर है, यही तो है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये ट्रांसट्यूब्स कंपनी क्या है? वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आइरिना मेंडोज़ा है, तुम जानती हो उसे? मैं नहीं जानती। अच्छा, अब तुम ये डेट्स और अमाउंट्स देखो। 2 साल पहले ही इनकी शुरुआत हुई और आज सभी हाइड्रोस्फीयर के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसट्यूब्स के पास हैं। ये बात अजीब नहीं लगती तुम्हें? कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो, खैर मुझे मालूम नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं रिकार्डो से पूछती हूँ, उसे मालूम होगा शायद इस बारे में। हाइड्रोस्फीयर्स के पास दूसरी कोई भी कंपनी नहीं जिसका हाई टर्नओवर हो। तुम्हारी 5 बजे एक बहुत ही जरूरी अपॉइंटमेंट है। कैंसिल कर दो। पर ये बहुत पहले से ही कैंसिल कर दो। मारियाना ने मुझे बताया। एक काम करो, कैटरिंग वाले को फोन करो और उसे कहो कि शाम के 7 बजे यहाँ पर 5-6 लोगों का खाना लेकर के आए। कोई खास बात? एक मीटिंग है। ठीक है, तो फिर मैं 5 लोगों के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। मारियाना के बारे में तूने क्या कहा? यही कि वो सुबह से आपको ढूंढ रही है। बहुत जल्दी बता दिया तुमने, उसे भी बुलाओ।